दोस्तों, ऐप स्टोर पर जियो सिनेमा ऐप की रेटिंग बिग बॉस से पहले 4.7 थी और अब आप देखोगे तो 5 में से 1.1 स्टार हो गई है। क्यों? इस इंसान की वजह से, पुनीत कुमार, जिसको आपने बिग बॉस में ये सब तमाशा करते हुए देखा होगा। पर अगर आप बिग बॉस नहीं देखते तो इस इंसान का मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूं कि ये इंसान इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स बनाता है। ऐसी हरकतें कर ये इंसान इतना फेमस हुआ कैसे कि इसको बिग बॉस में बुला लिया, और जब इसको बिग बॉस से बाहर निकाला, जिस प्लेटफॉर्म पर खुद सलमान खान आता है, इसके जाने से प्लेटफॉर्म की रेटिंग डाउन हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये चीज इस इंसान की असल जिंदगी की कहानी में छुपी है। आज इसी के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि ये इंसान फेमस कैसे हुआ। पहला रीजन है परेटो प्रिंसिपल। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेड परेटो ने एक रूल दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि एक इंसान जो भी प्रोड्यूस करता है उसका 100% रिजल्ट उसके प्रोड्यूस के 20% चीजों से मिलता है और 80% चीजें फालतू होती हैं। कुछ वैसा ही पुनीत के साथ भी है। ये इंसान इतनी ज्यादा वीडियो बनाता है, कभी कभार दिन की 100 भी डाल देता है, और इस इंसान के पास इसकी पुरानी वीडियोस का भी पूरा बैकअप है, क्योंकि इंस्टाग्राम से बहुत पहले, फिर म्यूजिकली बंद हो गया तो टिकटॉक आया और उस पर पुनीत ने 44,000 वीडियोस डाली हैं। टिकटॉक की अपलोडिंग रैंक में वो रैंक 3 पर आता है वर्ल्ड वाइड। अब ये भी माने कि अपने पूरे कंटेंट में 20% तो नहीं पर 1% भी अच्छी वीडियोस बनाता है तो तब भी 440 वीडियोस होती हैं। इसलिए इसका ज्यादा वीडियो डालना एक स्मॉल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो है इसके फेमस होने का, पर इसकी 20% या फिर वो 1% वीडियोस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए दूसरा रीजन है मार्केटिंग लाइक एंड्रयू टेट। अब देखो, एंड्रयू टेट को आजकल सब जानते हैं, है ना, पर पहले वो इतना फेमस नहीं था। पहले वो जैसे ये टीवी सीरियल के एक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही फेमस था, मतलब थोड़ा बहुत फेमस था। पर 2021 की शुरुआत में उसने अपना एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया हसलर यूनिवर्सिटी के नाम से, और उसने कोर्स ज्वाइन करने वाले लोगों को ये बोला, अगर आप ये कोर्स औरों को रिकमेंड करोगे और उन्होंने ये कोर्स लिया तो आपको उनकी परचेज का कुछ % पैसा मिलेगा, जैसे आजकल कंपनीज आपको रेफरल लिंक देती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसी के साथ एक मेन चीज ये भी बोली कि आप ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए कि वो इस रेफरल लिंक पर क्लिक करें और परचेज करें, उसके लिए आप एक सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं और उस पेज पर एंड्रयू टेट की वीडियोस की मदद से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर कई लोगों ने एंड्रयू टेट के नाम से कई सारे फेक अकाउंट बनाए जिसमें भर भर कर वो लोग एंड्रयू की शॉर्ट वीडियोस डालते। अब उन फेक पेजेस पर लोग एंड्रयू की वीडियोस देखते और फिर कोर्स खरीदते, और ये साइकिल फिर चलता रहता, और इससे कोर्स बेचने वालों का भी फायदा हुआ और एंड्रयू टेट का भी फायदा हुआ कि उसको इतनी ज्यादा रीच मिली। अब पता, ऐसा ही कुछ पुनीत के साथ भी है। अब वो कोर्स तो नहीं बनाता बट वो बहुत सारी वीडियोस बनाता है, और उसका 100% में से 80% कंटेंट तो ऐसा है जिसको देखकर एकदम आपका सर दर्द हो जाएगा। पर वो जो 20% या फिर वो 1% वीडियोस है ना, उनको मीम पेज वाले यूज कर लेते हैं, और आप देखोगे कि टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर पुनीत के नाम से कितने ऐसे फेक अकाउंट है जिस पर लोग पुनीत की वीडियोस लेकर मीम बनाते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जिनके अपने मीम अकाउंट है वो भी कई बार पुनीत की वीडियोस को यूज करते हैं, और इस ही चीज ने पुनीत को इतनी ज्यादा रीच दी। और इसमें सिर्फ पुनीत का फायदा नहीं है, मीम पेज वालों का भी इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो पुनीत की जगह पैट्रिक बेटमैन और स्पॉन्जबॉब या फिर होमलैंडर या फिर और भी कई लोगों के क्लिप यूज करते हैं मीम बनाने के लिए। पर इन सारे कैरेक्टर्स के टेम्पलेट लिमिटेड है, और तो पुनीत भाई के यूज के चाहने वाले तो दोस्तों कॉमेडी की 400 वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं कुछ ही देर में, तो इस वजह से मीमर्स के पास टेम्पलेट की कमी ही नहीं होती, और इसी वजह से पुनीत को इतनी ज्यादा रीच मिली है और इतना जल्दी वो फेमस हुआ है। पर अब सवाल आता है कि उसके क्लिप्स में ऐसा क्या खास है जो मीमर्स भी यूज कर रहे हैं और देखने वालों को भी मजा आता है। अब इसका जवाब है तीसरा रीजन, रिलेटेबिलिटी फैक्टर्स। दोस्तों, ज्यादातर मीम्स की एक कॉमन एनाटॉमी होती है जो आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। एस से सिनेरियो होता है, यानी किसी भी तरह की एक शुरुआती कहानी, वो रिटन, टेक्स्ट या इमेज या फिर वीडियो ऑडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। प्लस RM, यानी उस सिचुएशन पर, सिनेरियो पर रिएक्शन होता है, ये भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इनको मिला के बनता है मीम। अब मीम्स का पर्पस होता है कि आपको कोई इमोशन फील कराना, तो कुछ मीम्स तो फनी होते हैं,
कुछ मीम्स थोड़े डार्क कॉमेडी से जुड़े होते हैं तो आपको हंसी भी आती है पर आपको थोड़ा बहुत दुख भी होगा। कुछ मीम्स आपको नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं और जो मीम आपको जितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कोई इमोशन फील कराता है वो मीम उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए कुछ मीम्स तो लिट होते हैं और कुछ डैंक मीम्स होते हैं। अब कौन से मीम्स अच्छे होंगे कौन से मीम्स बुरे होंगे ये चीज डिपेंड करती है इन तीन वेरिएबल्स पर, के मल्टीप्लाई बाय एस यानी ऑडियंस की प्रायर नॉलेज, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है, सी यानी ऑडियंस कॉमनैलिटी जो भी रिएक्शन कम्युनिकेट किया जा रहा है वो ऑडियंस की डेली लाइफ से कितना ज्यादा जुड़ा है, मल्टीप्लाई बाय आरए यानी ऑडियंस रिएक्शंस एक्यूरेसी यानी रिएक्शन कितना ज्यादा एक्यूरेट है जो देखने वाले की डीपर फीलिंग को एक्सप्रेस करता है जो देखने वाला कभी कभार खुद भी नहीं कर पाता। और वो वेरिएबल्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही अच्छा मीम होगा, वो वेरिएबल्स वीक होंगे तो मीम भी डैंक होगा। इसलिए ये वाला मीम अमेरिकन समझ ही नहीं सकते इसलिए उनको हंसी भी नहीं आएगी, ये सिर्फ उन्हीं को फनी लगेगा जिसने रामायण देखी होगी और आजकल जो ये आदि पुरुष पे ड्रामा हो रहा है उसको जानते होंगे। अब पुनीत की ये 20% या फिर ये 1% वीडियोस में ये दो वेरिएबल काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। रही बात वेरिएबल के की तो इसको तो मीम पेज वाले स्ट्रांग बना देते हैं, इसीलिए पुनीत पे जितने भी मीम्स बनते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, इसमें सिनेरियो एस ये है, रिलेटिव को पता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तब भी वो आपसे ये पूछते हैं बेटा आजकल क्या चल रहा है। अब इसमें के वेरिएबल इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि आपके आपके घर में किसी ना किसी ने तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की होगी और आप ये भी जानते हो कि रिलेटिव्स अपने बच्चों से आपको कंपेयर करने का या फिर आपकी कभी कभार बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ते। अब पता है जब ऐसा होता है तो लोगों के अंदर से एक फीलिंग आती है कि इन रिलेटिव्स को या जो भी ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं उनको ऐसा जवाब दूं कि वो अगली बार ऐसा सवाल ही ना पूछे। अब इसके लिए जो रिएक्शन है उसको पुनीत बहुत अच्छे से दिखाता है। सवेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, अपने माँ बाप के टुकड़ों में पलता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद रील्स की वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद अपने घर वालों की गालियां खा के रात को अपने माँ बाप की फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। और पता है पुनीत ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर 16,000 वीडियोस डाल दी थी तब भी उसकी वीडियोस कोई नहीं देखता था, फिर एक दिन उसने यही वाली क्लिप डाली और उससे वो रातों रात वायरल हो गया। और फिर उसने अपने 80% फालतू कंटेंट के साथ साथ ऐसी डायलॉग बाजी भी, ऐसे रिएक्शन वीडियोस बनाना भी शुरू कर दिया। सवेरे सवेरे उठा था 7 बजे, सोचा था यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, सोचते सोचते 12 बज गए, उसके बाद कब 2 बजे मुझे नींद आ गई, उसके बाद कब मैं अभी 6 बजे उठाऊं। अब सवाल आता है कि ये इंसान ऐसी रिएक्शन ऐसे डायलॉग कैसे मार लेता है। ऐसा तब ही कोई कर सकता है जब उसने कैरेक्टर को स्टडी किया हो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्टर हो या फिर उसने ये सब चीजें कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है। जो पुनीत आजकल पॉडकास्ट में आ रहा है उससे कुछ हद तक यही पता चलता है वो जो भी काम करता है उसको उसके घर वाले पसंद नहीं करते। मरे हमारे माँ बाप खुद नहीं कबूल करते मेरी की हमारी औलाद है। नहीं बिल्कुल नहीं करते। भाई बहन है कोई? या एक होते हो? नहीं एक भाई है, वो भी परचून की दुकान पे है। उसको तो शर्म आती होगी, तो बेचारा कहता नहीं, वो बना कर देते बोले मेरा हमारा कोई भाई नहीं मैं इकलौता हूं। इसके अलावा पॉडकास्ट से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इसलिए मैंने डीप में जानने के लिए पुनीत कुमार के यूट्यूब चैनल में मैंने सारी वीडियोस देखी जिसमें वो ये बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। आज से लगभग 2017 में मेरे पास मेरे घर में मेरी मम्मी के पास आरओ लगवाने के पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने एक अजीब सी चीज देखी, एक वीडियो में वो ये भी बोलता है आज मैं अपनी मम्मी से कम 14 साल से अलग क्यों रह रहा हूँ, आज मैं अपने पापा से 22 सालों से अलग क्यों हूँ। अब ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शन इसकी और भी वीडियोस में दिखता है, जैसे एक वीडियो में वो ये भी बोलता है मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरी मम्मी ने एक मुसलमान से शादी क्यों की। फिर दूसरी जगह ये भी बोलता है कि मेरी मम्मी ने एक वाल्मीकि से शादी क्यों की। ऐसी और भी कई वीडियोस थी इसके चैनल पर जिसमें मैंने ऐसा ही बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन देखा। पता दोस्तों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन ऐसी हरकत एक और कैरेक्टर करता है, जोकर। अगर आपने डार्क नाइट मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि जोकर दो अलग स्टोरीज बताता है कि उसके मुंह पर ये स्कार्स कैसे आए। जोकर का ओरिजिनल सोर्स डीसी कॉमिक्स इसका रीजन ये देती है, जोकर के साथ इतनी बुरी चीजें हुई हैं कि उसने अब डिटेल्स याद करनी ही बंद कर दी, वो बस अब ये समझ गया है। I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other.
अब आप पुनीत को देखो तो वो एक वीडियो में ये भी बताता है कि कैसे उसने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया, तो बैंक वाले उसके घर आ गए उसको मारने। बैंक वालों ने मेरा कुत्ता बना दिया और फिर मेरे घर पे जो है रिकवरी वाले आने स्टार्ट हो गए। फिर एक बार ही मेरे को उठा के ले गए, उन्होंने मेरे को बैंक में बिठा के रखा 4-5 महीने तक, और क्रेडिट कार्ड वाले ने मेरे को बहुत मारा। बचपन में पनीर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी पिटाई हुई। एक पनीर की दुकान वाले ने मेरे को बहुत मारा था एक दिन, सिर्फ पनीर खाने के चक्कर में, और मेरी मम्मी को भी उसने बहुत ज्यादा गालियां दी थी, उसने बहुत सुनाया था। एक वीडियो में ये भी बोलता है कि उसने बस में जेब काटी तब भी उसकी पिटाई हुई। पब्लिक ने मारा, और दोस्तों मेरी जेब में जो है 4,000 रुपए अपने खुद के पड़े हुए थे, और जो मैंने मोबाइल चुराया था और जो मैंने एक लेडीज के पैसे चुराए थे वो तो मेरे से वापसी ले ही लिए, साथ में मेरे 4,000 रुपए भी ले लिए उन्होंने मेरे से, और मेरे को बहुत कुत्ते की तरह मारा, मेरे कपड़े वपड़े सब। पता, जोकर की तरह ही उसका पास्ट काफी ज्यादा एम्बिगुअस है, पर ये चीज तो लगती है कि उसका बचपन गरीबी में बीता, उसके पास कोई जवानी में टैलेंट नहीं था तो वो पूरे टाइम नल्ला बेरोजगार रहा, फिर उसके बाद कितने साल फेमस होने के लिए मेहनत करता रहा, घर वाले भी इज्जत नहीं करते, अब 48 साल की उम्र हो गई है उसकी तब जाकर उसको सक्सेस मिली, वो भी इंटरनेट पर ऐसी चीजें करने से। आप इस वीडियो में देखोगे कि ये ऐसी फालतू हरकत करते करते आखिर में ना रोने लगता है, दुखी सा हो जाता है। उसके साथ सात समुंदर पार चलती हूँ गाइस, चलती हूँ बाबू, बाबू मैं आ रही हूँ, बाबू मैं तुम्हारे 3-3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ बाबू। आप समझो कि ऐसी सिचुएशन में आकर किसी का भी माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, इतने टाइम बाद आके सक्सेस मिली है वो भी ऐसी हरकतें करके, अब भी लोग मुझे परेशान करेंगे, अब भी लोगों के साथ मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा, उनके साथ सर मारना पड़ेगा। नहीं भाई, अब ये सब नहीं होता भाई। उनका उसका जो एटीट्यूड था कि अबे पैसे दे रहा है तो दे, टाइम खराब मत कर, टेक्स्टिंग चल रही है ये। पता, जोकर की पर्सनैलिटी से पहले एक और जोकर जैसी पर्सनैलिटी आई थी और उसने एक बात कही थी, It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Okay. इसीलिए पुनीत की जोकर जैसी मेंटालिटी है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। नाउ दोस्तों, पुनीत की एक अच्छी बात यह है कि उसकी जोकर जैसी मेंटालिटी तो है बट उसकी आसपास की दुनिया वैसी नहीं है, इसलिए उसका बिलीफ सिस्टम जोकर से काफी अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि जोकर की कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टोरीज में एक चीज कॉमन थी, उसके स्कार, वैसे ही पुनीत की स्टोरीज में भी मैंने दो चीजें कॉमन देखी, पहली शराब पीकर मारना। दोस्तों मेरी एक बहन हुआ करती थी जिसको मैं शराब पी के दोस्तों बहुत मारता था। दोस्तों शराब पी के आते थे मेरे पापा, नशा करके आते थे, सिगरेट पी के आते थे, और दोस्तों बहुत मारते थे मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी चिल्लाती रहती थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था कि मैंने शराब पीकर अपनी चाची को पैसे छेड़ दिया था। दूसरी चीज, अपने माँ बाप की इज्जत करो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उसके बाद दोस्ती यारी करो, इतना ही कहना चाहता हूँ। और अपने माँ बाप को सपोर्ट करो, अपने माँ बाप का साथ दो, दुनिया की मत सुनो, चाहे फाड़ की भट्टी में जाए। अब जोकर की लाइफ की तरह ही इसकी भी लाइफ की डिटेल्स हमें नहीं मालूम, बट स्टिल ये चीज लगती है, इसने अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ ऐसी बहुत गलत हरकतें की हैं जिससे इसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, और अब इसको उसका बहुत ज्यादा पछतावा है, इसलिए ऐसी वीडियोस बनाकर उनको एम्बिगुअस रखकर जिससे कि इसकी सीधा इमेज पर या इसकी फैमिली पर कोई सवाल ना उठाए, ऐसी वीडियोस बनाकर वो कथार्सिस फील करता है। पुनीत शायद अपने कर्मों की, अपने मन की सफाई करना चाह रहा है, और अपने आप को शायद साफ करने की वजह से ही शायद वो जो भी कमाता है उसके 50% का वो लोगों को खाना खिला देता है। आपने देखा है इंटरनेट पर ऐसे कई लोग हैं जो कंटेंट बनाने के लिए अच्छा काम करते हैं, पर पुनीत के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए वो लोगों को पसंद आता है, उसके ऐसे कामों में सच्चाई दिखती है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर की एक प्रोफेसर है डोरिंडा आउटरम, वो अपनी इस बुक में बताती है, पुराने समय में जो लोग राजा के आसपास होते थे ना, उनको अगर कोई राजा की गलती बतानी है तो वो ऐसे सीधा जाके नहीं बता सकते थे, तो उसके लिए वो लोग कोर्ट जस्टर बुलाते थे जो लोगों को हंसाता था। अब राजा को लगता था कि इसको हंसाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अगर जस्टर कुछ भी बोलता था तो लोगों को हंसी आती थी, अगर जस्टर सच भी बोलता था, राजा की पॉलिसीज का मजाक भी उड़ाता था, तब भी लोगों को हंसी आती थी।
ऐसे ही दोस्तों आप सब कंटेंट व्यूअर्स भी राजा हो, जो किसी को भी एक रात में चढ़ा सकते हो, किसी को भी एक रात में गिरा सकते हो। और अभी जितना भी कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है ना, वो सब फेक है, वो सब बनावटी है, वो सब आपको प्लीज करने के लिए है। जस्ट लाइक राजा के कोर्ट रूम में जैसे लोग होते थे, पर पुनीत अपने ऊपर जोक मारकर आपको आपकी सच्चाई बोल देता है। और एक छोटा कंटेंट क्रिएटर होने के बावजूद भी लोगों को अपनी कमाई में से खाना भी खिलाता है। प्लस आप इसकी शक्ल देखो, ये बुड्ढा बच्चा लगता है। इसलिए आप राजा व्यूअर्स ने इसको किसी भी चीज पर बोलने की आजादी दे रखी है, किसी भी चीज का मजाक उड़ाने की आजादी दे रखी है। जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी फेम पा लो, मरोगे एक दिन सबके सब। भैया देखो, मैं तो ऐसे ही डालता हूँ वीडियो, देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो, लाइक करनी है करो, नहीं करनी मत करो, कमेंट करना है करो, नहीं करना मत करो। मेरी तरफ से दुनिया गई बाढ़ की भट्टी में, और तुम भी जाओ बाढ़ की भट्टी में, आग लगे तुम्हारी मनपसंदीदा वीडियो को। ऐसे और पता है, ये इंसान एक बढ़ते विश करने के लिए ऐसा 4,000 से 5,000 रुपए लेता है, तब भी वो अपने बाल पेड़ के नीचे वाले नाई से कटवाता है, रेडी पर खड़े होकर खाना खाता है। तो अगर किसी को इसकी बात का बुरा लग भी जाए तो वो क्या ही बिगाड़ लेगा इसका। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है।